बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबको? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज बच्चों के स्कूल में मिला था तो मैंने सोचा चले मैं इसकी भी छोटा सा क्लिप बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे तो अपने स्कूल टाइमिंग पर ही स्कूल गए थे, विदाउट इन्होंने जाना था स्कूल बैग। तो मैं 2 घंटे के बाद जाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं भी जो है इनके पास आ गई थी, मैं तो ऐसे टाइम पर ही पहुँच गई थी, अभी मिलाद कहने के शुरू नहीं हुआ था। तो फिर अब यहाँ पर पिज़्ज़ा की क्लास की बारी आई थी तो मैंने कहा चले मैं इसका क्लिप बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी नात पड़ी थी पिज़्ज़ा ने सब बच्चों ने। तो वाइट कलर इनका जो था, वाइट और पर्पल इनकी थीम थी, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ब्रार ने बोला कि नहीं तुम चली जाओ, फिर ब्रार तो सोए हुए थे तो फिर मैं खुद ही कार ड्राइव करके आ गई थी। तो पिज़्ज़ा यहाँ पे पढ़ रही है नात हस्बी रबी जल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी नात पढ़ी गई थी, बहुत मज़ा आया। मैं आपको इसकी जो है नात वो भी सुनाती, लेकिन फिर आपको पता है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो इस वजह से मुझे वो म्यूट करना पड़ा। तो फिर इसके बाद अब्दुल सलाम की बारी आती थी, सब बच्चों की बहुत ही अच्छी थी तैयारी की हुई, छोटे बच्चों को भी मैंने देखा, प्ले ग्रुप थी, नर्सरी केजी सब बच्चों ने की। लेकिन मैंने फिर सब की अगर वीडियो बनाती तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले मैं अब्दुल सलाम और पिज़्ज़ा की ही छोटी छोटी सी क्लिप बनाए थे। तब आगे आ गया अब्दुल सलाम, तो यहाँ पर अब अब्दुल सलाम की क्लास की बारी आ गई थी। तो अब्दुल सलाम ने और इसकी क्लास के सभी बच्चों ने नात पढ़ी थी, तू कुजा मन कुजा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ा आया। उनके ये कह लें कि क्लास भी थोड़ी बड़ी थी तो बच्चों ने मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ी थी। छोटे बच्चों से आपको पता है कि कोई काम करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उन्हें जब छोटे बच्चों ने आके पहले सबसे पहले ला इलाहा का विर्द किया तो साथ उनके उनकी जो टीचर थी वो भी थी, तो बहुत ही कह लें कि उन्होंने भी एक अलहदा ही माहौल क्रिएट कर दिया था, बहुत मज़ा आया उनका भी सुन के छोटे बच्चों ने। फिर आगे मज़ीद कोई कई बच्चों ने स्पीच भी की थी। तो फिर इसके बाद हमने जो है खड़े होकर सलाम पेश किया। फिर यहाँ पे अब एक टीचर है इनकी नाज़रा कुरान की, वो दुआ वगैरह करवा रही थी, उन्होंने दुआ भी बहुत अच्छी करवाई। फिर घर आके मैंने जो है बच्चों को यहाँ पे पिज़्ज़ा दिया, तो पिज़्ज़ा दरअसल आया था जन्नत ने माशाल्लाह से ए ग्रेड लिया था, तो उसकी भाईजान ने खुशी में ट्रीट दी थी। तो हमने तो रात को खा लिया, मैंने और अब्रार ने, अब्दुल सलाम पिज़्ज़ा सो गए हुए थे तो इस वजह से इन्हें मैंने कहा स्कूल से आओगे तो मैं तब दूँगी। तो अब ये खा रहे हैं, शाल को बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, शाल पानी पी पी कहीं फुल हो रही। देखे इसने सारी टॉपिंग भी, जो टॉपिंग है वो उतार दी हुई है पिज़्ज़े की, ये देखें। तो ये मैं खा रही थी शाल के ऊपर से जो थे चिकन वगैरह वो मैं खा रही थी। फिर शाल मुझे कह रही थी कि मामा जी मुझे ना छोटे पीसीस कर दें, इसे मैं दरअसल छोटे पीसीस करके देती हूँ तो फिर ये इजीली खा लेती है, तो इसे फिर मैंने कहा चलिए मैं आपको छोटे छोटे पीसीस कर देती हूँ। तो स्पाइसी लग रहा था इशाल को बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।